जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है, जिस्म के ताजमहल का कूड़ा होता जाता है, बीवी मेकअप करके लाल गुलाबी रहती है, शौहर वक्त के साथ लसूड़ा होता जाता है। और ये ईद पर बेगम की तरफ से टच मोबाइल की फरमाइश। कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, चले उंगली पे मेरी इसमें ये जौहर नहीं है। कहा शौहर ने जाने जा मशीनी चीज है ये, चले उंगली पे तेरी ये तेरा शौहर नहीं है। और अगले किते का उन्वान है कॉल का एहतराम। किसी को ताह कद लड़की से शादी की है ख्वाहिश क्यों, कुशादा कद हो तुम लेकिन तुम्हारी अक्ल कच्ची है। वो बोला भाई ये फरमान है एक आला हस्ती का, मुसीबत जितनी छोटी हो हमेशा उतनी अच्छी है। अगले किते का उन्वान है बीवी का मजाक। शेखी से जब बताया शौहर ने अहलिया को, शेखी से जब बताया शौहर ने अहलिया को मुझको हर एक हसीना तकती है मुस्कुरा कर, मुझको हर एक हसीना तकती है मुस्कुरा कर। बीवी संभल के बोली तुम चीज ही हो ऐसी, पहली दफा तो मैं भी हंस दी थी खिलखिलाकर। रमजान से पहले एक रोजा खोर से मुकालमा कि मैंने कहा कि रोजा रखोगे तुम इस दफा, मैंने कहा कि रोजा रखोगे तुम इस दफा, बोला कि इतनी भूख के काबिल नहीं हूं मैं। मैंने कहा कि सहरी का खाना सवाब है, बोला कि इस सवाब पे माइल नहीं हूं मैं। मैंने कहा कि तुम पे तरावीह फर्ज हैं, बोला कि इस नमाज का कायल नहीं हूं मैं। मैंने कहा करोगे तुम अफ्तार भी नहीं, बोला अब इतना काफरे कामिल नहीं हूं मैं।